वेरी आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे द क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थाट्स इसमें हम देखेंगे कि इस स्कूल की शुरुआत किस तरह से हुई और कब हुई और इसमें जो मेन इकोनॉमिट हैं वो कौन कौन से हैं अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक लिटरेचर की तो उसमें सबसे पहले जो क्लासिकल शब्द था उसको यूज किया गया था तीन तरह के मीनिंग को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट इसमें है कि जो एडम स्मिथ से लेकर मिल के जितने भी इकोनॉमिक राइटिंग्स हैं और उनके जो इकोनॉमिक थॉट्स हैं उनको दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था सेकेंडली जेम केन्स ने जो था इस, इस शब्द का यूज जो था वो मार्शल और उनकी फॉलोवर्स के जो इकोनॉमिक राइटिंग्स थे उनको शो करने के लिए किया था थर्डली शोम्पीटर यूज द टर्म क्लासिकल मीन दैट द कंसोलिडेशन ऑफ दिजिनल वर्क वेंट बिफोर अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो बेसिकली जो सतारह से लेकर 1850 तक की जितनी भी इकोनॉमिक राइटिंग्स थी या इकोनॉमिक थे, उनको हम क्लासिकल फॉर्म में डिफाइन करते हैं या फिर उनको क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक था कहा जाता है उस समय के जो लीडिंग मेंबर थे स्कूल के उसमें एडम स्मिथ जे मिल और रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्री जो हैं वो आते हैं बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का काम होता था उस समय जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उन उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी तो इंडस्ट्रियल रे, रेवोल्यूशन जो था वो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड था तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की राइटिंग्स उस समय होती थी क्लासिकल के अकॉर्डिंग एक जो इकोनॉमी है वो कैपिटल इकोनॉमी होनी चाहिए या फिर मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए कैपिटल इकोनॉमी से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का जो है वो अधिकार होता है तो इसकी जो फीचर्स है वो क्या है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एक जो मार्केट इकोनॉमी है या फिर जो कैपिटल इकोनॉमी है उसकी क्या फीचर्स होनी चाहिए फर्स्ट इसमें है प्रोडक्शन इज ओरिजिनेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स बी प्रॉफिट मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो ओरिजिनेट की जाएगी या या फिर जो प्राइवेट एंटरप्रन्योर्स है उनके द्वारा उत्पादन किया जाएगा और उनका जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्जन करना होगा सेकेंड इसमें है बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल इन दार्केट क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स की जो पॉलिसीज हैं उसमें सेल्फ रेगुलेटिंग और लेजर फेयर जो है वो प्रमुख रूप से यूज होती हैं तो जो क्लासिकल थे वो मानते थे कि जो एक इकोनॉमी है वो सेल्फ रेगुलेटिंग होनी चाहिए सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई वो अपने आप ही वर्क करेंगी और संतुलन का निर्धारण करेंगी सेकेंडली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि जो इकोनमी एक इकोनॉमी जो है वो अपने आप ही जीडीपी या आउटपुट का जो लेवल है नेचुरल लेवल है उसको अचीव कर लेंगी जो रिसोर्सेस है लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप वो जो है वो फुल्ली इंप्लॉयड होने चाहिए थर्ड है इसमें लेज़र फेयर पॉलिसी लेज़र फेयर पॉलिसी का मतलब है कि जो मार्केट है वो अपने आप ही काम करेगी इसमें किसी तरह का कोई भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा और जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई वो अपने आप ही संतुलन का निर्धारण करेंगी और गवर्नमेंट जो है वो इंटर इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक थ्योरीज थी वो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे ब्रिटिशर इकोनॉमि जो थे उनके द्वारा डेवलप की गई थी और ये जो थ्योरीज थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरा, दौरान जो थी वो डेवलप की गई थी तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन से आती है री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम स्पेशलाइजेशन से आती है डिविजन ऑफ लेबर से आती है एंड कंपेरेटिव एडवांटेज से आती है इसका यह मतलब है कि जो कैपिटल अक्यूमुलेशन है जितने भी प्रॉफिट अर्नर है वो अपने धन का जो है वो संचय करेंगे या जो धन को जो है वो अपने स्टोर करके रखेंगे तो इससे जो है वो आगे अगर वो धन जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट में यूज हो जाएगा तो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी सेकंड है री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम दी स्पेशलाइजेशन जो स्पेशलाइजेशन आती है जैसे जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसमें जो स्पेशलाइजेशन आती है न्यू न्यू टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं और उसमें जो री इन्वेस्टमेंट होती है उसके द्वारा जो अर्जित किया गया प्रॉफिट है इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है नेक्स्ट इसमें डिवीजन ऑफ लेबर इसका मतलब है है कि जो जो एक वस्तु को को बनाने के लिए बहुत सारे लेबर्स को जो है वो उनकी क्षमता के आधार पर उनको डिवाइड करना मतलब जिस जिस लेबर की जो जो क्षमता है उसको उसके आधार पर काम देना ही डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है नेक्स्ट इसमें है कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब एक कंट्री को जिस भी वस्तु की जो प्रोडक्शन है उसको करने में एडवांटेज हो रहा हो या उसकी जो कॉस्ट है वो कम आ रही हो अगर ये जो कंपेरेटिव एडवांटेज है वो किसी कंट्री को मिल जाए तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सो इसका ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकलता है कि जो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरीज थी वो बेसिकली फ्री ट्रेड के जो आइडिया था फ्री ट्रेड का जो आइडिया था उनको मानती थी मतलब जो ट्रेड है वो फ्रीली होना चाहिए किसी भी तरह का कोई भी टैरिफ एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर ना लगाए और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो संचय करके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ को समअप करने के लिए कुछ एक इक्वेशन दी गई इन इक्वेशंस के अनुसार जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पॉसिबल है इसमें फर्स्ट इक्वेशन है ओ इज द फंक्शन ऑफ एल के क्यू एंड टी मतलब जो टोटल आउटपुट है वो फंक्शन है साइज ऑफ लेबर फोर्स स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल मतलब जो टोटल आउटपुट है वो डिपेंड करती है कि लेबर फोर्स कितनी है आपके पास सेकेंडली है कि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो एफिशिएंट है आपके आउटपुट को प्रोड्यूस होने में या फिर नहीं है एंड नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लैंड तो किसी भी प्लांट को शुरू करने के लिए लैंड की आवश्यकता होती है इसलिए जो टोटल आउटपुट जो है वो एल के क्यू और टी का फंक्शन है सेकेंड इक्वेशन इसमें है टी इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टी डिनोट करता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को और आई डिनोट करता है इन्वेस्टमेंट को तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी उतना ही ज्यादा एफिशिएंट जो है वो आउटपुट होगी और ये जो टेक्नोलॉजी की एफिशियंसी है वो डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे मतलब जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आएगी और न्यू न्यू इनोवेशन इसमें हमें देखने को मिलेंगी थर्ड इक्वेशन है आर इज द फंक्शन ऑफ एल एंड टी आर इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है और एल एंड टी जो है वो लेबर सप्लाई एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है वो शो कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट है वो लेबर सप्लाई और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो है वो फंक्शन है लेबर सप्लाई जितनी ज्यादा एफिशिएंट होगी और जो टेक्नोलॉजी है वो जितनी ज्यादा न्यू होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होगा क्लासिकल की फोर्थ इक्वेशन है एल इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एल अगेन इसमें लेबर सप्लाई बता रहा है और डब्ल्यू जो है वो साइज ऑफ वेज बिल बता रहा है तो लेबर सप्लाई किसका फंक्शन है वेजेस का मतलब ले, जो लेबर है उसको किस फॉर्म में वेजेस दी जा रही है उनकी जो कुशलता है उसके अकॉर्डिंग वेजेस दी जा रही है या नहीं उस पर लेबर सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है फिफ्थ इक्वेशन है डब्ल्यू इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट तो W यहां पर वेज बिल को डिनोट कर रहा है और I अगेन इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहा है तो वेज बिल किसका फंक्शन है इन्वेस्टमेंट का लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है उसके आधार पर ही वेज बिल जो है वो डिफाइंड होती है सिक्स इक्वेशन है O इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू ओ टोटल आउटपुट दिखा रहा है रहा है और आर जो है वो इक्वल प्रॉफिट दिखा रहा है और डब्ल्यू जो है वो वेजेस को शो कर रहा है तो टोटल आउटपुट जो है अगर हम इक्वल प्रॉफिट और वेजेस को प्लस कर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है इक्वेशन W इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इन टू एल कैपिटल डब्ल्यू शो कर रहा है बेस बिल को स्मॉल डब्ल्यू शो कर रहा है मिनिमम बेज रेट एंड एल अगेन इज लेबर सप्लाई तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल जो W है जो स्मॉल W है जो डिनोट कर रहा है मिनिमम वेज रेट ये जो है ये कॉन्स्टेंट अज्यूम किया गया है तो so बेसिकली ये इक्वेशन शो कर रही है कि जो बेज बिल है वो हमारे पास किस तरह से आएगी अगर हम मिनिमम बेज रेट और लेबर सप्लाई को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेज बिल है वो हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी फंड के इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें इंक्रीमेंट होगा तो जो लेबर की सप्लाई है वो डिमिनिशिंग रिटर्न आपको देना शुरू कर देगी जो लैंड है वो तो हमारे पास उतनी है लैंड जो है वो फिक्स रहती है लैंड चेंज नहीं होती है तो लैंड पर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो काम वर्कर्स जो है वो इंक्रीज हो जाए अगर तो इससे क्या होगा वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देना शुरू कर देंगे इससे क्या होगा कि ज्यादा इंप्लॉयमेंट देने से जो लेबर की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी जिससे जो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा क्लासिकल के अकॉर्डिंग एक मेच्योर इकोनॉमी जो है वो क्या करेगी कि जैसे ही जो उनके रिटर्न्स है वो घटना शुरू हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट है उनके वो फॉल होना शुरू हो जाएंगे तो जो प्रॉफिट फॉल हुआ उसके कारण जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो लो हो जाएगी और इससे जो वेजेस है वो भी लो हो जाएंगी और पॉपुलेशन जो है वो वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से जो स्टेशनरी स्टेट है वो अचीव हो जाएगी